सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साइड में लगे हुए उसके आइकन बेल के बटन को, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। हेलो ऑल ऑफ यू, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगेन सेल की प्रिपरेशन के बारे में। मुझसे जो है दो तीन स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला कि सर सेल की जो है प्रिपरेशन आप दोबारा से स्टार्ट करा दीजिए, आपने जो है सेल की प्रिपरेशन की जो है पहले बीच में रोक दिया था। तो मैं दोबारा जो है फिर से सेल की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ और साइड बाय साइड जो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी में जो है असिस्टेंट और जो ऑपरेटर की जो प्रिपरेशन है वो भी मैं करवाऊंगा। और अल्टरनेटिव डेज में जो है एक बार सेल की और एक बार जो है HAL के लिए जो है मैं वीडियोस लाता रहूंगा। और जो इन बच्चों ने जो है सेल में और आपका HAL में जो अप्लाई किया है उनकी प्रिपरेशन जो है मैं करवाता रहूंगा। और बीच बीच में अगर कोई जॉब्स आएगी तो या फिर कोई जॉब फेयर आएगा तो उसके रिगार्डिंग जो वीडियोस हैं या उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन हैं वो भी मैं आपको देता रहूंगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं सेल की प्रिपरेशन के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो मैंने ऑलरेडी जो है 17 वीडियो जो है सेल की प्रिपरेशन के ऊपर मैंने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पे जो है पोस्ट की हुई है। और उन सभी वीडियोस के जो लिंक हैं आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपने अगर अभी मेरी सेल की मैंने जितनी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट की हैं, अगर आपने सभी वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो आप उन सभी वीडियोस को वॉच कर लीजिए। और उन सब वीडियो को वॉच अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं तक जो है सेल के जितने भी पीछे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनसे आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन जो है सेल में पूछे गए हैं और किस तरह से जो आपको प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए आगे और बेहतर तैयारी के लिए। और आज की जो वीडियो है ये मेरा जो है सेल की जो है प्रिपरेशन की ये 18वीं वीडियो जो है 18 पार्ट जो है वो मैं आपके सामने लेके आऊं। 17 पार्ट जो है पीछे पहले ही मैं अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। तो आज की जो वीडियो है जिसमें मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूं आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनीज और आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनीज। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनीज में जो है आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन और मेटलर्जी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनीज में जिन्होंने ITI फिटर से की हुई है और उन्होंने अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनीज के लिए सेल में अप्लाई किया है उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनीज के जो कैंडिडेट्स हैं वो ITI फिटर के जो क्वेश्चंस हैं वो उनको भी देख लें, क्योंकि जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने कहा था और इस वीडियो में कह रहा हूं कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन्होंने फिटिंग शॉप में वर्कशॉप में 3 साल जो अच्छे से काम किया है तो ऐसा नहीं कि ITI फिटर की जो क्वेश्चन है खाली ITI वालों के लिए हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं वो डिप्लोमा के कैंडिडेट से भी फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं सीएल के एग्जाम में। तो जो मैकेनिकल प्रोडक्शन मेटलर्जी के जो कैंडिडेट डिप्लोमा वाले वो ITI फिटर क्वेश्चंस को भी जरूर देख लें, ठीक है। अब आपको प्रिपरेशन के लिए करना ही होगा कि मैं आपको इस वीडियो में आगे प्रिपरेशन करवा देता हूँ क्वेश्चंस की। बाकी आप जो मेरी वेबसाइट पे जाके भी जो है आप जो है उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। चलिए और वन बाय वन एक क्वेश्चन को हम स्टडी करते हैं और आपको जो है इससे जो प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिलेगी। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो आपको मेरी जो है वेबसाइट है उस पर जाना पड़ेगा। तो वेबसाइट के लिए आपको जो है बार में टाइप करना पड़ेगा www.learningineers.com। बार में आ रहा है मेरे, तो आपको टाइप करना पड़ेगा www.learningineers.com। एंटर करेंगे उसके बाद तो आप जो है मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो वेबसाइट पे जब आप पहुंच जाएंगे तो वेबसाइट पहुंचने के बाद जो है आपको जो पहली जो पोस्ट आएगी आपने उस पर जाना है। आप इसको स्लाइड करके नीचे जाएंगे तो पहली पोस्ट आएगी यदि आपकी सेल राउरकेला बर्नपुर बोकारो भिलाई पार्ट 18 है ये मेरा, तो इससे पहले 17 पार्ट हैं वो भी आपको मिल जाएंगे इसी पोस्ट में। तो आप इस पे जो है क्लिक करेंगे पोस्ट के ऊपर तो सीधा जो है नया वेब पेज खुलेगा। तो जैसे नया वेब पेज खुलेगा आप उसमें जो है स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे
तो उसमें सबसे पहले जो है मैंने ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की पोस्ट, जिन बच्चों ने जो है सेल बोकारो में, भिलाई में, राउरकेला में या फिर बर्नपुर में अप्लाई किया है, मैकेनिकल प्रोडक्शन मेटलर्जी से जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया है और उन्होंने जो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए जो है सेल के डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में अप्लाई किया है, तो उनके जो पहले प्रीवियस ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है कि चेंज ऑफ श्रिंकेज इज मोर इन, तो क्वेश्चन नंबर वन जो है वो कह रहा है इसमें कि जो श्रिंकेज सबसे ज्यादा सिकुड़ना जो है सबसे अधिक जो है इनमें से कौन से मटेरियल में होता है, तो इसमें दिया हुआ है आपका कास्ट आयरन, स्टील, व्हाइट कास्ट आयरन, नन ऑफ दीज। तो सबसे ज्यादा जो श्रिंकेज होता है, सिकुड़ना होता है, वो होता है हमारा स्टील के अंदर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी। ठीक है, तो स्टील में जो है सबसे ज्यादा जो है श्रिंकेज होता है एज कम्पेयर टू अदर मेटेरियल्स, तो राइट आंसर इज बी। ओके, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में जो है इसने कहा है यूजुअली द कैपेसिटी ऑफ कपोला, जो कपोला है होता है हमारा, जो कपोला फर्नेस है उसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो कितना जो है, मतलब पिग आयरन के लिए जो और जो है कितना वो कैपेसिटी में लोड किया जा सकता है उसके अंदर, या उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है कपोला की। तो पहला ऑप्शन दिया है 500 kg, दूसरा ऑप्शन दिया है 1 ton, थर्ड ऑप्शन है 250 kg और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है हमारा 10 ton। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ए है, 500 kg की जो यूजुअली कैरिंग कैपेसिटी होती है कपोला की। ठीक है ना, तो राइट आंसर इज ए। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। बियरिंग्स आर मेड बाय, जो बियरिंग होती है वो इनमें से कौन से मटेरियल से बनाई जाती हैं, क्रोम स्टील से, बैबिट मेटल से, मोनल मेटल से या फिर मैग्नीज मेटल से। तो जो इसका राइट आंसर है, जो बियरिंग्स जो हमारी बनाई जाती हैं वो बनाई जाती है हमारी क्रोम स्टील से, तो राइट आंसर इज ए। ओके, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो जो क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा वो है इन पाउडर मेटलर्जी विच स्टेप इज इन्वॉल्व, इनमें से कौन सा स्टेप जो है पाउडर मेटलर्जी में यूज किया जाता है, मेल्टिंग, लिंचिंग, स्मेल्टिंग, ग्रेनुलाइजेशन। तो पाउडर मेटलर्जी में जो इनमें से जो स्टेप इन्वॉल्व किया गया है वो है या किया जाता है वो हमारा ग्रेनुलाइजेशन। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है ब्रेनल हार्डनेस इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग, जो ब्रेनल हार्डनेस है उसको डिटरमाइन किया जाता है इनमें से कौन से पैरामीटर को मेजर करके, डेप्थनेस को, वॉल्यूम को, वेट को या फिर सरफेस एरिया को। तो ब्रेनल हार्डनेस को जो है डिटरमाइन करने के लिए जो है इनमें से हम जिस पैरामीटर को मेजर करते हैं वो है हमारा सरफेस एरिया, तो राइट आंसर इज डी। ओके, इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, उसमें दिया है इन ब्रेनल हार्डनेस टेस्टिंग द डायमीटर ऑफ द बोल फॉर इम्प्रेशन इज, तो ये जो है क्वेश्चन जो हमारा जो ब्रेनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आता है, और हम लोगों ने जो है, आप लोगों ने भी जो है लैब में इसके प्रैक्टिकल किए होंगे, तो उसमें जो बोल इम्प्रेशन के लिए जो यूज की जाती है ब्रेनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में उसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm। तो जो बोल यूज की जाती है ब्रेनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में इम्प्रेशन के लिए उसका जो डायमीटर होता है वो होता है हमारा 10 mm, तो राइट आंसर इज बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन हम लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेवन में जो पूछा है वो ये है कि इन आयरन मेकिंग प्रोसेस द आयरन कम आउट फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस इज नोन एज, तो आयरन मेकिंग प्रोसेस में जो ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन निकाला जाता है बाहर वो कौन सा आयरन होता है, स्टील, प्योर आयरन,
आयरन या इनमें से कोई नहीं। तो आयरन मेकिंग प्रोसेस जो हम यूज करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, उससे जो हमारा आयरन निकलता है वो होता है हमारा आयरन। तो राइट आंसर इज सी। ओके, इसके बाद मित्र क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें पूछा गया है इन विच फर्नेस पिग आयरन इज मेल्टेड फॉर पोरिंग इनटू मोल्ड कैविटी। उस फर्नेस का नाम बताना है जिसमें कि पिग आयरन को मेल्ट किया जाता है मोल्ड कैविटी में पोरिंग करने के लिए या पोर करने के लिए। तो ब्लास्ट फर्नेस, कुपोला, मफल फर्नेस या इनमें से कोई नहीं। तो पिग आयरन को जिस फर्नेस में मेल्ट किया जाता है वो होती है हमारी कुपोला। तो राइट आंसर इज बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है हमारा द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल कैन एब्जॉर्व एनर्जी ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो इस कॉल्ड मॉडुलस ऑफ। तो जो हमें उस मटेरियल की प्रॉपर्टी बतानी है या वो मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी ऐसी हो कि जिसमें कि जो है डिफॉर्मेशन के दौरान जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, तो मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल कैन एब्जॉर्ब एनर्जी ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। तो मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को बताना है जो डिफॉर्मेशन के दौरान जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो उस एनर्जी को या उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा सी, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो राइट आंसर इज सी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ। जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है वो यूज कहती है इनमें से कौन से मटेरियल को वेल्ड करने के लिए, एल्यूमिनियम को या ऑस्टेंटिक स्टील को, स्टील को या इनमें से किसी को भी नहीं। तो राइट आंसर इज ए, एल्यूमिनियम को जो है वेल्ड करने के लिए हम जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं वेल्डिंग करने के लिए, राइट आंसर इज ए। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है हमारा सेल के क्वेश्चन है। जिन कैंडिडेट्स ने जो है सेल में अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है और उसमें आईटीआई फिटर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो बता रहा हूं जो कि लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर में सेल से पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन जो है जो डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन और आपका जो है वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इन क्वेश्चंस को देख लें क्योंकि उन लोगों ने फिटिंग शॉप में काम किया है तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो डिप्लोमा जिन लोगों ने मैकेनिकल से किया है, प्रोडक्शन से किया है, मेटलर्जी से किया है, मैकेनिकल मेंटेनेंस से किया है और उन्होंने जो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो कैंडिडेट जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग फिटर के क्वेश्चन को जरूर देख लें। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है प्योर मेटल्स जनरली हैव। जो प्योर मेटल्स होते हैं जनरली उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मतलब कौन सी रहती है इनमें से। हाई कंडक्टिविटी, लो टेम्परेचर कॉफिशियंट। सेकंड है हाई कंडक्टिविटी, लार्ज टेम्परेचर कॉफिशियंट। सी जो है, थर्ड है लो कंडक्टिविटी एंड जीरो टेम्परेचर कॉफिशियंट। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है लो कंडक्टिविटी एंड हाई टेम्परेचर कॉफिशियंट। तो जो प्योर मेटल्स होते हैं जनरली वो जो प्रॉपर्टी रखते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो लो कंडक्टिविटी एंड हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर है वो होगा हमारा आपका डी, तो लो कंडक्टिविटी एंड हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। ओके, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द फॉर्म थ्रेड यूज्ड ऑन फ्लाई प्रेसेस एंड स्क्रू जैक्स। तो जो किस टाइप की, किस शेप की जो है थ्रेड यूज की जाती है फ्लाई प्रेसेस में और स्क्रू जैक्स में। तो पहला ऑप्शन दिया नकल थ्रेड, सेकंड ऑप्शन एक्मे थ्रेड, थर्ड ऑप्शन है वी थ्रेड और फोर्थ ऑप्शन है वो स्क्वायर थ्रेड। तो जो हमारी फ्लाई प्रेस और जो स्क्रू जैक होता है हमारा उसमें जो यूज की जाती है थ्रेड वो यूज की जाती है स्क्वायर
फ्रैट, तो राइट आंसर इज डी। ओके, इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हेक्सा ब्लेड्स आर मेड ऑफ, या फिर हेक्सा ब्लेड जो है वो बनाई जाती हैं किस मटेरियल के द्वारा? माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, पिग आयरन। तो जो हेक्सा ब्लेड्स हैं वो बनाई जाती हैं हमारी हाई कार्बन स्टील से, तो राइट आंसर इज सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा, ए ड्रिफ्ट इज यूज्ड फॉर, जो ड्रिफ्ट है एक टूल है जिसका यूज किया जाता है रिमूविंग द ड्रिल फ्रॉम मशीन स्पिंडल, ड्रिल को मशीन स्पिंडल से रिमूव करने के लिए, ड्राइंग ए ड्रिल लोकेशन, ड्रिल लोकेशन की ड्राइंग के लिए, रिमूविंग ए ब्रोकन ड्रिल फ्रॉम द वर्क, या फिर जो हमारी ब्रोकन ड्रिल रह जाती है वर्क पीस के अंदर उसको रिमूव करने के लिए, या फिर एक्सिंग चक ऑन द मशीन स्पिंडल, या फिर चक को जो है मशीन स्पिंडल पे जो है एक्सिस में लाने के लिए हम ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। तो ड्रिफ्ट का जो यूज किया जाता है वो रिमूविंग द ड्रिल फ्रॉम द मशीन स्पिंडल, मतलब यह कि जो हमारी ड्रिल है उसको वो मशीन के स्पिंडल से अलग करने के लिए जो है हम ड्रिफ्ट का यूज करते हैं, तो राइट आंसर इज ए। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। द कटिंग एंगल फॉर चिपिंग कास्ट आयरन इज, तो कटिंग एंगल कितना होना चाहिए कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए? 90 डिग्री, 37.5 डिग्री, 60 डिग्री, 55 डिग्री। तो राइट आंसर इज सी, 60 डिग्री। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। द साइज ऑफ द एंगल प्लेट्स इज स्टेटेड बाय, जो एंगल प्लेट जो होती है उसकी जो स्पेसिफिकेशन है या उसकी साइज को अगर आपको लेना है तो आप किस पैरामीटर पे मेजर करेंगे उसके साइज को या उसकी स्पेसिफिकेशन के लिए? लेंथ इनटू विड्थ, वेट, लेंथ, साइज नंबर। तो राइट आंसर इज ए, लेंथ इनटू विड्थ के बिहाफ पे हम जो है एंगल प्लेट को स्पेसिफाई या उसकी स्पेसिफिकेशन जो है लेंथ और विड्थ के बेस पे की जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो है होगा हमारा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। द कॉमन साइज ऑफ एन इंजीनियर्स स्टील रूल, जो हमारे इंजीनियरिंग स्टील रूल्स आते हैं या हमारे स्टील रूल्स जो होते हैं जिन्हें स्टील के जो हमारे स्केल आते हैं उनकी जो कॉमन साइज, मतलब इनमें से कौन से होते हैं, 6 इंच, 12 इंच, 24 इंच, 12 इंच, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, राइट आंसर इज डी। तो राइट आंसर इज डी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा वो है हमारा, द मटेरियल्स फ्रॉम विच द मार्किंग टेबल इज मेड, जो हमारी मार्किंग टेबल है वो किस मटेरियल की बनाई जाती है? मीडियम कार्बन, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, या इनमें से कोई नहीं। तुम्हारी जो मार्किंग टेबल जो होती है वो बनाई जाती है हमारी कास्ट आयरन की। तो जो राइट आंसर है वो है हमारा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। द क्लियरेंस एंगल ऑफ ए ड्रिल इज बिटवीन, जो हमारी ड्रिल जो होती है उसका जो क्लियरेंस एंगल है वो कितने से कितने बीच में होता है? 12 डिग्री टू 20 डिग्री, 3 डिग्री टू 5 डिग्री, 15 डिग्री टू 20 डिग्री, 8 डिग्री टू 12 डिग्री। तो राइट आंसर जो है वो हमारा डी है, 8 डिग्री टू 12 डिग्री के बीच में जो है हमारी ड्रिल की जो है वो क्लियरेंस एंगल जो है रहता है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। द लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर, जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 डिग्री, 5 इंच, 5 मिनट, 5 डिग्री। तो राइट आंसर इज सी, 5 मिनट। ठीक है, राइट आंसर इज सी। ओके,
इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो मैंने जो है जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनीज के जो मैंने 10 क्वेश्चन दिए उसके आंसर की मैंने ये दे रखी है, और ऐसे ही जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनीज के जो मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं उनकी आंसर की भी मैंने नीचे दी हुई है। ठीक है, तो आप जो है यहां से भी अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं, और जो आंसर हैं अगर आपको नहीं पता है तो इन आंसर की हेल्प से जो है आप आंसर्स को अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं। तो ये मेरा पार्ट 18 था। इसके बाद जो रिमेनिंग जो 17 जो पार्ट्स हैं उनकी जो लिंक हैं वो मैंने यहाँ दिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक मेरे जो 17 पार्ट्स जो हैं सीएल के अगर आपने उनकी प्रिपरेशन नहीं की है या आपने कुछ पार्ट्स की प्रिपरेशन की है कुछ पार्ट्स का आपको पता ही नहीं लगा तो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 17 जितने भी सीएल के मैंने अभी तक बनाए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे वो सही मैंने अपनी वेबसाइट पे दिए हुए हैं, उन सभी के लिंक मैंने जो है यहां दिए हुए हैं। तो इन सभी लिंक के थ्रू जो है आप अपनी प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। तो सभी 17 पार्ट्स आपके सामने हैं जिससे कि आपको जो है इन पार्ट्स को क्वेश्चंस को करने से या इन पार्ट्स को देखने से या इनमें जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं सेल के प्रीवियस ईयर्स के उनको करने से आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, तो आपको जो है इन क्वेश्चंस के लिए जो है मेरी वेबसाइट पे आना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था जैसा कि मेरी वेबसाइट है www.learningenieurs.com। ठीक है, तो आप जो है मेरी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको ये जो है लिंक मिल जाएगा, और बाकी रिमेनिंग जो 17 पार्ट्स हैं उनके भी लिंक मैंने जो रेफरेंस में दिए हुए हैं जिससे कि आपको जो है तैयारी आपकी और अच्छी और बेहतर हो सके। ठीक है, तो ये थे टोटल आज के क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने रखे थे, और मैंने आपको इनको जो है प्रिपरेशन भी करवा दी है। अब आपको अगर इनको करना है तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर इनको देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे क्वेश्चन जो मैंने ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनीज और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनीज के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे। आई होप सो इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं कुछ न कुछ हेल्प और सपोर्ट आपको कर पाया हूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ, नए न्यू और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस के साथ में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।